शिवपाल सिंह यादव ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। शिवपाल के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। कुल 31 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। शिवपाल के द्वारा प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सूची जारी की गई है। शिवपाल सिंह यादव ने जारी की है सूची। आपको बता दें, खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। कुल 31 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लग गई है। प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। शिवपाल सिंह यादव के द्वारा सूची जारी की गई है और कुल 31 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें, शिवपाल सिंह यादव के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। लंबे समय से चर्चा की जा रही थी कि क्या कुछ इसको लेकर किया जाए, लेकिन अब कुल 31 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जो शिवपाल यादव के द्वारा जारी की गई है। प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। किन प्रत्याशियों के नामों को लेकर घोषणा की जाए, उसकी सूची बना दी गई है और कुल 31 प्रत्याशियों की सूची बनाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा अपडेट उनसे लेते हैं। प्रकाश यादव, आपसे जानना चाहेंगे, खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लग गई है और सूची जारी कर दी गई है। प्रकाश जी, बिल्कुल खबर पे बिल्कुल मोहर लगी है, क्योंकि कल रात में ही जानकारियां मिल गई थी। विश्वसनीय सूत्र थे कि काफी लंबी सूची जारी सकती है। सर, शिवपाल सिंह यादव ने आज दो पार्टियों से और शामिल किया है, जिसमें आपकी अपना दल कृष्णा पटेल और पीएस पार्टी शामिल हुई है। लेकिन ये देखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सूची जारी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये 31 सूची जो की जो जानकारी खबरों तक सबसे पहले दी थी कि 20 से 25 सीटें ऐसी होंगी जो की कल घोषित कर दी जाएंगी, बिल्कुल उसी प्रकार से 20 से 31 सीटें घोषित कर दी गई हैं। अब ये देखना होगा शिवपाल सिंह यादव जो पार्टियों को गठबंधन की है, इन पार्टियों को कितनी सीटें देते हैं। जी काशी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सूची जारी कर दी गई है, कुल 31 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। क्या लगता है कि किन प्रत्याशियों के नाम इसमें रखे जा सकते हैं, सूची में किन प्रत्याशियों के नाम आएंगे? आकाश जी, इन प्रत्याशियों जो बिजुकी बता दें आपको, जो प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव के करीबी माने जा रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय शिवपाल जमीनी का नेता रहे हैं, उनके जो करीबी जो नेता हैं उन्हीं को उन्होंने टिकट दिया है। आपको बता दें कि उससे बड़ी बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको सही समय से एक मीटिंग कर रहे थे, काफी लंबे समय से अलग अलग जो है बैठक कर रहे थे, उसको देखने के बाद आज जो है 31 सीटों को जो है अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चलिए, शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें, कुल 31 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें ये माना जा रहा है कि लंबे समय से चर्चा की जा रही थी, मंथन किया जा रहा था और प्रत्याशियों की सूची को लेकर कि कौन ऐसे प्रत्याशी हो जिनके नाम इस सूची में घोषित किए जाए, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही थी। और ये माना जा रहा है कि जो जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता है, नेता है, उन्हीं के नामों को इस सूची में रखा गया है।